आप बाद में बात करें, आप रूलिंग दे दें। जो कल प्रोग्राम वज़ीरे आज़म पाकिस्तान, देखें वज़ीरे आज़म पाकिस्तान, आप भी वज़ीरे आज़म रह चुके हैं, शहबाज शरीफ वहां मौजूद थे, आप भी तशरीफ फरमा थे और हमारे दीगर वज़रा भी थे, असद महमूद साहब भी वहां थे, ये उलमा भी वहां मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में जो बेहयाई वहां हुई जनाब स्पीकर, जो डांस वहां हुआ नौजवान लड़कियों को, व्यापारी बच्चों को लाकर, क्या ये डायमंड जुबली का हिस्सा है? क्या इस तरीके से हम पाकिस्तान में तरक्की कर सकते हैं अपने बच्चों को अपने सामने डांस कराते हुए? जनाब स्पीकर, ये चीजें नहीं होने चाहिए। और ये जनाब स्पीकर तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, प्रोग्राम का मुखालिफ नहीं है, लेकिन वहां आप साबिक वज़ीरे आज़म हैं, इस वक्त स्पीकर हैं, आप मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीरे आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं, वज़रा हैं, दीगर अफराद वहां मौजूद, ख़वातीन भी मौजूद थी। आप यकीन करें अल्लाह हाजिर नाजिर है, जिस वक्त ये शो शुरू हुआ, सकाफती शो, मैंने अपने टोपी को नीचे रख के आंखों पे हाथ इस तरह डाल के मैं बैठा रहा, आखिर तक देख नहीं सका। जनाब स्पीकर, ये चीजें जो है, आप कौम को क्या, आप अपने बच्चियों को क्या तालीम दे रहे हैं? पूरे पाकिस्तान ही, पूरी दुनिया से उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि मरकजी प्रोग्राम था, मरकजी हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम था और लाइव चल रहा था। जनाब स्पीकर, इस पर सोचना चाहिए, मैं इस पर शदीद एहतजाज करता हूँ और मैं हुकूमत के आलम में लाना चाहता हूँ, मैं शहबाज जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को शुक्रिया, ये उनको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में इस तरह के प्रोग्राम का कोई गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया। हमारा आईन इस्लामी है और ये मुल्क इस्लामी है, हम इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, हम यहाँ बेहद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। जनाब।